चलो ना, चलो ना। वैसे अरे यार हमारा मटर आ गया है, अब चलते इसको बनाते हैं। अरे पापा, और चल के अभी क्या बनाएंगे पापा इस मटर का? देखिए पेट्रोल पंप है और यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी है साइडिंग में, इवनिंग का टाइम है। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, नए ब्लॉग में स्वागत है। सुबह का 8 बजा है और मैं नासिक में 10 बजे नोटी खुलने के बाद मैं निकला, तो बैजापुर और ये अपना जालना औरंगाबाद सब क्रॉस करके अब यही मैं यहाँ पे वाटर पहुँचने वाला। तो यहाँ से अभी नांदेड़ 180 किलोमीटर है, तो अभी नाश्ता भी करने का है। ये देखिए हम लोग इधर ही रुके, फ्रेश व्रेश हुए। ये देखिए अब शाम तक मैं हम अब ये कवर करेंगे, नांदेड़ पहुँचना है, शाम तक हम लोग नांदेड़ पहुँच जाएंगे। तो अभी आगे चल के कहीं नाश्ता वास्ता करते हैं। ये कितना मस्त नज़ारा है कि मैं देखा कितना हरा भरा ये मठ। ये क्या क्या है आदित्य? ये तुअर का दाल है क्या? देखो कितना कितना तुअर का खेती हुआ है, अभी ये छोटा छोटा पुंगी हुआ है। यही हम दाल खाते हैं ना, तो इसको क्या है कि ये देखिए अभी छोटा छोटा बच्चा हुआ है, ये देखिए अभी ज़्यादा तैयार नहीं हुआ है, देख रहे हैं। ये बहुत खाने में मीठा लगता है और इसी दाल को मतलब यहाँ पे अगर ये दाल का अगर अपन बनाते हैं ना, दाल बहुत मीठा लगता है। ये अक्खा दाल इसको ही बोलते हैं। अब ये मशीन में जाता है तो उसको पॉलिश करते हैं, इसको खुरदे निकालते हैं, इसका बहुत कुछ आइटम बनता है इसका। तो यही देखिए अभी ये अपना इसका खेती है एरिया में, उधर कपास भी है, इधर तुअर का दाल भी है, उधर गन्ना भी है, बहुत सारे इधर एरिया में अच्छा अच्छा चीज़ है, यही देखने को मिलता है। तो ठीक है हम चलते हैं, अब आगे यहाँ से निकलते हैं। अब तो चलिए सब्सक्राइबर भाई चलते हैं, चलिए आगे चल के नाश्ता करेंगे। ठीक है तो चलिए चलते हैं। दोस्तों अभी 9:34 हो रहा है, अब यही हमारा नाश्ता है, जलेबी और कचौड़ी, इसमें इमली का चटनी है, तो खाते हैं। हम लोग मंठा में हैं, आगे रास्ता बंद, रास्ता का काम चालू है जिंतूर में, तो जिंतूर होके जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहाँ से हम सेलू मानवा, अब मानवत से परबनी फिर नांदेड़ जाना पड़ेगा। अभी नाश्ता करके निकलते हैं तुरंत। तो दोस्तों हम अभी निकल गया था चाय नाश्ता करके, अभी देखिए उधर जिंतूर होके जाना था ना, तो उधर रोड का काम चालू था, इसके लिए अभी 2-3 ड्राइवर से पूछा तो बोलता है कि उधर समझ जाओ रोड का काम चालू है, उधर से जाएंगे तो 2-4 घंटा लग जाएगा, बहुत ट्रैफिक है उसमें। तो अभी हम इधर से जा रहे हैं परभनी होके, अभी अब निकल चुके हैं परभनी के लिए। अब यहाँ से 50 किलोमीटर है परभनी और उधर 50 किलोमीटर आ चुके हैं और मतलब 150 किलोमीटर जाना है अभी। और तो इधर से जा रहे हैं परभनी होके, आगे आगे खाने का भी विचार था, क्या खाएंगे क्या बनाएंगे वो समझ ही में नहीं आया। चलते हैं देखते हैं, होटल मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं तो भाजू जी मिलेगा तो कुछ बना लेंगे। आलू मटर का सब्जी बनाने की इच्छा है, आदित्य का मन बोल रहा कि आलू हरा मटर का सब्जी, अगर मिलता है तो हरा मटर का सब्जी स्पेशल बनाएंगे, दम रबड़ी डाल के और उसमें दम टमाटर का चटनी डाल के, बस क्या आदित्य सही है कि नहीं? तो दोस्तों अभी पार्टी का भी फ़ोन आया था, बोला था कि कहाँ पहुँचे, मैं बोला कि भाई रास्ता तो उधर से जिंतूर होके आने वाला था, मैं तो इधर से आ गया परभनी होके, तो कब आओगे? मैं बोला कि आ जाएंगे शाम तक, तो बोलता है कि कल सुबह सुबह जल्दी आओ तो संडे को खाली कर लेंगे। तो हम अभी पहुँचने वाले हैं, शाम तक पहुँच जाएंगे नांदेड़।
ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। हेलो गाइस, अभी 3 बज रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और अभी तक पापा ने खाना भी नहीं बनाया। हम लोग 2 बजे बनाने वाले थे, सोचे भाजी वाजी कुछ मिलेगा लेकर बनाएंगे, लेकिन जगह भी नहीं मिला और कोई भाजी भी नहीं मिला। अभी एक मिला है तो वहाँ पर और भाजी लेते, चले मैं दिखाता हूँ। देखिए गाइस, पापा मटर ले रहे हैं। देखिए गाइस, हमारा मटर आ गया है। देखिए गाइस, पापा ने मटर ले लिया है। चलो चलो गाइस, बिना पैसे के दिए। क्या बात कर रहे हो? हाँ देखो ना, क्या भैया सच में? अरे बाबू जाऊँ ना। अरे जानवर तो बोला ना यार, पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं लेंगे। अरे यार क्या दोस्ती में यार ऐसा करा रहे हो यार? देखो ऐसा मत कर जानवर, छोटा भाई समझ। चलो ना, चलो ना। ऐसे अरे यार क्या यार, क्या यार भाई भाई बोल के फिर दे दिया या फिर पैसे मांग रहे हैं यार? ये तो अच्छी बात है, कैसे प्यार ऐसे ही प्यार बनेगा? हम खुश नहीं आ रहे, पैसे दे रहे हमको देना पड़ेगा। लो यार तू तो डर गया, मैं तो समझ रहा था तुम दे डरोगे नहीं, तू पहले ही डर गया। ये तो डर गए यार, बचने का बात नहीं ना। हमारे इधर महाराष्ट्र में ऐसा नहीं करता है। नहीं ना गाइस, हमारा मटर आ गया है, अब चलते इसको बनाते हैं। ये रे पापा, और चल क्या अभी क्या बनाएंगे पापा इस मटर का? आलू मटर का सब्जी और क्या बना? ओके चलिए फिर बनाते हैं। 4:17 हो रहे हैं और अभी हम लोग परभणी से 20 किलोमीटर दूरी पर अभी खड़े हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि पापा ने मटर वगैरह लिया था, वो बोले थे आलू मटर बनाएंगे। वैसे तो मैंने ही बोला था कि बनाते हैं, उसके बाद कुछ स्पेशल खाते बोले ठीक है चलो कुछ आलू मटर लेकर बनाते हैं। ये जो पेट्रोल पम्प है यहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं और ये रोड वगैरह है। और ये देखिए, ये हमारे पापा जी बैठ कर मटर छील रहे हैं। क्या बात है पापा, फटाफट सब छील दिए, क्या बात है, सब हो गया? अरे पूरा छील रहे पापा, सब छीलेंगे, 1 किलो का पूरा छीलेंगे। इतना तो आधा किलो मटर तो निकलेगा ही। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए गाइस, हमारा मटर, आलू है, टमाटर है, अभी बहुत ही स्पेशल बनेगा। क्यों पापा? आज आलू मटर और टमाटर का सूखी रेसिपी बनाएंगे। अच्छा, सूखी रेसिपी बनाएंगे। हाँ। मतलब क्या ऐसा ग्रेवी नहीं रहेगा क्या? ग्रेवी हल्का सा रखेंगे। अच्छा, क्योंकि बस चावल में सटना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अरे लगता है होटल से भी बहुत भारी बनने वाला है गाइस। पापा वो आपने क्या रखा है उसके अंदर? ये चावल हो गया है बाबू, देखो। अच्छा, ये देखिए गाइस, हमारा चावल हो गया है। अभी भूख का इंतजार आदित्य खत्म हो गया है, क्योंकि 4 बज गया, अभी तक मुंह में दाना नहीं पड़ा आदित्य का। एक होटल पे गए थे, वो होटल वाला बोलता है भैया नाश्ता है लेकिन खाना नहीं, लेकिन 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 लिखा था कि रेस्टोरेंट ढाबा भोजन ढाबा, लेकिन वहाँ पे कुछ खाना नहीं, खाली नाश्ता 20-20 रुपये के दिए चावल, वो खाया बस वही खा के रुक गया। मैं बोला चलो जान दो, तो वही खा के अभी तक है, इसलिए मैंने बोला चलो बना लेता हूँ। अभी हमारा सब्जी काट के रेडी हो गया और सब ये धनिया मिर्ची और ये लहसुन प्याज सब काट के रखा हूँ। अब इसको धोता हूँ मैं, देखिए पानी डालता हूँ इसके अंदर। अभी आदित्य को मस्त ऐसा धो के बनाएंगे। आलू का पानी है, देखिए अभी ये देखिए इस पापा आप धनिया भी धो रहे हैं। चावल बन गया है, देखिए मस्त, अभी उतार रहा हूँ मैं फर्स्ट क्लास का। अभी हमारा खाना बन के रेडी हो गया चावल, अब मैं रखता हूँ कढ़ाई। क्या देख? हाँ पापा, मैंने कढ़ाई रख दिया, अब जा रहे हैं तेल डालने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गया है, ये देखिए अभी तेल डाल रहे हैं। तेल गर्म हो गया दोस्तों, ये देखिए जीरा डाल दिया हूँ मैं, और ये है हमारा लहसुन मिर्ची, ये देखिए प्याज, अब इसमें यही टमाटर पड़ जाएगा। हाँ दोस्तों, अब देखिए हम कैसे बना रहे हैं सूखी रेसिपी आलू मटर की सब्जी। एक नंबर ये पेस्ट, लहसुन मिर्ची का पेस्ट, पेस्ट भूज के लाल हो गया है, देखिए अभी हम इस पर डाल रहा हूँ मैं आलू मटर। क्या रेट? हाँ देख रहे, एकदम ताज़ा ताज़ा मटर का मज़ा ही कुछ अलग है। ये देखिए सब्जी का मिक्स कर रहे हैं मटर, देखता हूँ कैसा हो गया है।
हमारा मटर बहुत ही मस्त दिख रहा है। अरे वाह, अच्छा मतलब वो नरम नरम टाइप हो गया रहेगा ना पापा? हाँ बहुत अच्छा बुझा गया है। अच्छा तो लग रहा है कि आप लोग घुगनी नहीं खाते हैं, चना बटाना अच्छा हो गया है। अच्छा, लेकिन अब इसमें हो गया है मसाला डालेंगे। हाँ ये देखिए दोस्तों, मटर मसाला डाल रहा हूँ, लाल मिर्ची पाउडर हल्का सा, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच और हल्दी 1 चम्मच, बस हम नमक डालते हैं, नमक 1 चम्मच फूल ये और रेस्ट मसाला थोड़ा सा डाल देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं पानी इसमें डालता हूँ दोस्तों। ये देखिए बस, अब इसको मैं एक बार और चला देता हूँ, आदित का मन पसंद। हेलो गाइस, अभी 5:10 हो रहे, गाड़ी में बैठा था बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और इसलिए मैं सोचा जरा बाहर आ जाऊँ, जरा बाहर आ जाऊँ। देखिए पेट्रोल पम्प है, यहाँ पर ही बैठा हूँ मैं, ज़रा बहुत ही अच्छा लग रहा है, मस्त घास भी है इधर के। ये देखिए पेट्रोल पंप है और यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी है साइडिंग में, इवनिंग का टाइम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सनसेट का व्यू आ रहा है वैसे तो। ये देखिए ये रहा यहाँ पर मेन रोड। तो गाइस मैं 5 मिनट से घूम ही रहा हूँ, तो चल के देखते हैं पापा का कितना हुआ है बनाकर। तो वो देखिए गाड़ी अपनी उधर लगी हुई है, मैं गाड़ी के पास पहुंच गया। तो आपा हुआ कि नहीं आपका? हो गया है, आओ आओ खाना बन गया है। क्या बात कर रहे हो यार, मेरा तो हालत खराब कर दिया आपने। पापा तभी से बना रहे इधर, मेरा हालत खराब हो रहा है, मैं सुबह से खाना का वेट कर रहा हूँ कब खाएंगे। पापा इतना लेट बनाए 5 बजे, क्या पापा खाना मस्त बन गया है, आओ दिखाता हूँ देखते। देखो आदित्य बन गया है, अब मैं दिखाता हूँ। चलिए दिखाइए। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा खुशबू आया पापा, है ना? ये गाइस बहुत मस्त दिख रहा है। ज्यादा रास्ता नहीं रखा हूँ, ग्रेवी नहीं रखा हूँ ज्यादा। अच्छा, ये तुम्हारे लिए नहीं बोला ना रेसिपी, ये देखो। अच्छा, ये पापा का स्पेशल रेसिपी आलू, आलू मटर वाला, क्या पापा? और ये इतना मस्त है, मेरे को हाथ में देखो, ये देखो। और ये आपका धनिया स्पेशल। अरे वाह, ये देखिए तो मस्त हो गया, अभी देखिए बस। ठीक है, अब इसको ढकता हूँ, निकालता हूँ खाना। अच्छा, चलो अपन लोग खाते हैं। अभी बन के रेडी हो गया है, एक नंबर का। अभी देखिए आदित्य चला रहा है, चावल मस्त हो गया है, रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं खाना खाने और निकालते हैं खाना 2 थाली में, और आदित्य और हम साथ में बैठते हैं, क्या आदित्य? हाँ पापा। चलो ठीक है, लो थाली। तो खाना निकाल लिए, हम खाना खाते हैं। ये देखिए काफी टाइम हो गया, 5:30 बज गया है। आदित्य भी खाना खा रहे हैं, क्या आदित्य? बहुत भूख लगा है गाइस, क्या है दिन भर दिखते दिखते बहुत टाइम हो गया, और अभी शाम के टाइम पे खाना मिला है तो टूट पड़ा, और क्या बोलूँ मैं। बहुत ही अच्छा बना गाइस, मस्त बना है पापा। अच्छा बना है ना? हाँ बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। दोस्तों शाम को 6 बज गया और खाना वाना खा चुके हैं, अब यहाँ से परभनी 20 किलोमीटर है, तो हम अभी यहाँ परभनी पहुँचेंगे और वहाँ से 50 किलोमीटर नांदेड़। तो पार्टी वाला का फ़ोन आया था कि वो बोल रहा था कि गुरुद्वारा आ जाना, सुबह उधर ही से माल को रसीक कर लेंगे, तो हम देर देर पहुँचते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग खाना खा चुके हैं, तो ब्लॉग के यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।